आज के इस युवा साथियों के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित मणिपुर के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय एन बीरेन सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती शारदा देवी जी, हमारे राज्यसभा में मेरे साथी और यहां से राज्यसभा के सदस्य सना जोगा जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और मेरे साथी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, मणिपुर सरकार में मंत्री और मेरे साथी विश्वजीत जी, यहाँ के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय विधायक श्री रामेश्वर जी, हमारे एमएलए साहब राधेश्याम जी, हमारे वारिस शर्मा जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, अशोक सिंघल जी जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, श्री गोविंद दास जी एक्स एमएलए, श्री युवमचा जी जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज जब मैं मणिपुर में आया हूं तो सबसे पहले इस देव भूमि ने गोविंदा जी के मंदिर को, महाबली जी कृष्णा मंदिर को मैं नमन करता हूं और इस सांस्कृतिक धार्मिक भूमि को मैं अपनी ओर से नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब मैं यहां युवाओं के साथ चर्चा में भाग लेने आया हूं तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं का जो मैं जोश देख रहा हूं, जो ऊर्जा देख रहा हूं, जो एनर्जी देख रहा हूं, जो ताकत देख रहा हूं, वह मुझे बता रही है कि यहां के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को आशीर्वाद देना तय कर लिया है। यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि युवा ऊर्जा से भरा होता है, एनर्जी से भरा होता है, युवाओं में टैलेंट होता है, कैपेबिलिटी होती है और कैपेबिलिटी को सामर्थ्य को उतारने की ताकत होती है और वह जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा भारत का भविष्य है, ऐसे युवाओं को मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। आप ही हमारी आशा है, आप ही हमारी ताकत है और आपके माध्यम से हम देश में और मणिपुर में मोदी जी की आशाओं को, मोदी जी के विचार को, सपनों को, उसको हम साकार कर पा रहे हैं, तो आप युवा शक्ति के कारण कर पा रहे हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम जानते हैं यहां बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, नॉन पॉक थोंग हुनगी, यानी कि जो आजादी का रास्ता है वह आजादी का रास्ता पूर्व से शुरू होता है और उसका गेटवे है और रास्ता है तो वो मणिपुर का है, ऐसा कहा गया है। और इसको आजाद हिंद फौज ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको पूरा किया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से आजाद हिंद फौज का के माध्यम से जो आजादी का बिगुल था वह मणिपुर की धरती पर बजा करके उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में यह ग्रेट वे ऑफ इंडिया, ग्रेट वे ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको बढ़ाने का प्रयास किया। और आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गेट वे ऑफ आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत का गेट वे ऑफ द ईस्ट
मणिपुर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसको भी आपको समझना चाहिए, इसको ध्यान में रखकर के काम करना। मित्रों, हम जानते हैं कि जहां तक दूसरे राजनीतिक दल है, द अदर पॉलिटिकल पार्टी, इसके पास न दिशा है, न दृष्टि है, न डायरेक्शन है। दे आर डायरेक्शनलेस। देयर ओनली इंटेंशन इज टू क्रिटिसाइज भारतीय जनता पार्टी। देयर ओनली इंटेंशन इज टू क्रिटिसाइज मोदी जी। एंड वाइल क्रिटिसाइजिंग मोदी जी, वह देश को भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं, देश का भी विरोध करने लगते हैं। ये उनका राजनीतिक कल्चर है। हमारे पार्टी में हम देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को लेकर के चल रहे हैं। वह वंशवाद को लेकर के चल रहे हैं, परिवारवाद को लेकर के चल रहे हैं, अपने लोगों को लेकर के चल रहे हैं। भ्रष्टाचार उनका साथी है, कमीशन उनका साथी है, हमारा साथी है मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का मिशन। उनका मन है देश में ओनली कमीशन, कमीशन एंड कमीशन। ये हमको अंतर समझना चाहिए और इसलिए इन सब चीजों को मोदी जी के नेतृत्व में साकार करने के लिए जहां एन बीरेन सिंह जी मणिपुर में लगे हैं, तो वहीं हमारी युवा शक्ति ताकत दे रही है और उस ताकत से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और यहां एन बीरेन सिंह जी आए हैं, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा काम हो रहा है, कौशल विकास। इससे पहले क्या होता था, डिग्री कॉलेजेस में युवा पढ़ता था, बीए करेगा, एमए करेगा, एमफिल करेगा, पीएचडी करेगा, नौकरी ढूंढेगा, लेकिन वह कोई स्पेशलाइज काम कर सके इसकी शिक्षा पर जोर नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट पर जोर हुआ है और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लगभग 70 लाख लोगों ने वेल ट्रेनिंग लेकर के अपना जीवन यापन शुरू किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये युवाओं को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें लगभग 31 करोड़ नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत लोन्स दिया गया है, 31 करोड़, 130 करोड़ की, 35 करोड़ की जनता है हमारी और 31 करोड़ युवाओं को मुद्रा में लोन देकर के उनको काम में लगाने का काम किया गया। ये भारत सरकार का फोकस प्रोग्राम है, ये दिशा के साथ प्रोग्राम है, ये दृष्टि के साथ प्रोग्राम है, ये विजन के साथ प्रोग्राम है। एंड दिस विजन इज दैट टू अट्रैक्ट द यूथ, यूथ को मुख्य धारा में लाने के लिए उसको लोन देकर के अपने जीवन में खड़ा हो, वो जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, जॉब देने वाला बने, इस बात को हमको उन्होंने प्रेरित किया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जी के इस देश को संभालने के बाद शुरू हुआ है और आपको जानकर के खुशी होगी कि इंडिया स्टार्टअप में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट हब है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हब बन गया युवाओं के लिए। इसको भी हमको समझना, ध्यान में रखना चाहिए। यानी टुडे इंडिया हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ, सबसे ज्यादा यूथ है जिन्होंने स्टार्टअप में अपना काम शुरू किया है और उसको भारत सरकार ने आर्थिक मदद देकर के समर्थन दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर के उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये भी हमको सब अपने लिए बहुत ही खुशी की बात है। उसी तरीके से जो हमारे स्टार्टअप्स में लगभग 50,000 करोड़ रुपए इसमें इसको जोड़ने के लिए जो काम में जुटा है, ये भी हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। स्टैंडअप मणिपुर में मैं एन बीरेन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि 5,600 एंटरप्रेन्योर्स ने
अपने आप को स्टैंड अप से जोड़ा है। 5600 यूथ ने इसमें भी हमारे को जोड़ा है और एम बीरेन सिंह जी की सरकार ने 114 करोड़ रुपए इस स्टैंड अप के लिए 5600 जो यूथ है उनको जोड़ने का काम किया है। ये भी हमारे को ध्यान में रहना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब सारे प्रवेश की जो एंट्रेंस की जो परीक्षा है वो एक साथ एक जगह पर होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, यानी युवाओं को जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा, यहां टेस्ट दो, यहां टेस्ट दो, यहां टेस्ट दो। वो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में एक बार परीक्षा देगा और उसी से उसकी परीक्षा के माध्यम से उसका विकास होगा और उसको एंट्रेंस मिलेगी। ये हमको समझना चाहिए फॉर हायर एजुकेशन, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। अटल इनोवेशन मिशन, इसके तहत भी बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है। टिंकरिंग लैब्स, लगभग 8000 टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है। उसी तरीके से देश में 2020 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हमारे इंस्टीट्यूशंस बने और जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपीज ईच देने का निर्णय किया है, ताकि एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ये बने और हमारे बच्चे वहां, यूथ वहां पर उसका फायदा उठा सके, वहां पढ़े और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में वो पढ़ने का उनको मौका मिल सके। आपको ध्यान में होगा कि 34 साल बाद, एंड दिस इज द प्राउड प्रिविलेज फॉर ए यूथ, दैट मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देश में भी और दुनिया में सराहा गया है कि इसके बराबर की अच्छी नेशनल पॉलिसी नहीं है। दिस इज द बेस्ट नेशनल पॉलिसी गिवन बाय नरेंद्र मोदी जी, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। दैट मींस दैट इट हैज गॉट अ यूनिवर्सल एक्सेस। कोई भी व्यक्ति किसी भी कक्षा से पढ़ाई शुरू कर सकता है। कोई गरीब है बेचारा, शुरू में पढ़ाई उसकी घर में हुई, नहीं अब तुम बेबी क्लास से फिर शुरू करो, फर्स्ट से शुरू करो, नहीं, वो जहां से शुरू करना चाहे वो शिक्षा शुरू कर सकता है। एक्सेसिबल है, हर एक को शिक्षा मिल सके इसकी चिंता की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारा बच्चा शिक्षा का मीडियम, उसको मदर टंग मिलेगी, अपनी भाषा मिलेगी जिसमें उसको पढ़ने का मौका मिलेगा। ये हमको समझना चाहिए, यानी वह मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेगा। उसको जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी या इंग्लिश या उसी में, अपनी मातृभाषा में आपको पढ़ने का मौका मिल सकेगा। उसी तरीके से मल्टीलिंगुअल होगा, आप एक भाषा नहीं अनेकों भाषा का आप उपयोग कर सकेंगे, यह भी उसमें से होने वाला है। और हमारी शिक्षा में कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाएगी, आप मैथमेटिक्स के साथ फाइन आर्ट्स कर सकते हो, आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। यानी यह जो शिक्षा नीति में आ रहा है यह किसी को शिक्षा बाधक नहीं बनेगी, साधक बनेगी, यह हमको समझना चाहिए। वो साधना का माध्यम बनेगा। व्हाटएवर ही वांट्स टू गेट एजुकेटेड फॉर दैट फैसिलिटी विल बी गिवन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये एक तरीका रहेगा, ये आपको ध्यान में रहे। आपको जानकर के खुशी होगी, मणिपुर के लोगों को हम ये बताएं स्पोर्ट्स के बारे में तो शायद ये ठीक नहीं होगा, मणिपुर के नौजवान हमको स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मणिपुर एंड स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट एक्टिविटी आर सिनोनिम, ये पर्यायवाची है। जहां मणिपुर है वहां खेल है और वहां खेलो इंडिया है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी ने खेलो इंडिया में 1000 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए साल का देना तय किया है फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर हेल्थ। मैं चाहूंगा कि मणिपुर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस खेलो इंडिया में अपने आप को जोड़ें।
और खेलो इंडिया के साथ अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़ें, उसको डेवलप करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुभकामनाएं। उसी तरीके से जो यहाँ पर लॉरल्स, जो यहाँ पर नाम मणिपुर को दिया है, फिर चाहे वो मैरी कॉम हो, फिर चाहे वो मीराबाई चानू हो, चाहे वो बोम्बयाला देवी हो, चाहे वो लयश्राम सरिता देवी हो, बॉक्सर हो, सभी लोगों ने मणिपुर को एक नाम दिया है और युवा शक्ति को नाम दिया है, महिला शक्ति को नाम दिया है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं महिलाओं को प्रणाम करता हूँ जो मणिपुर की महिलाओं ने देश का नाम ऊंचा किया, फिर चाहे वो कोई भी गेम सुनी उसमें उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो मणिपुर के लोग हैं, हमारे को मणिपुरी में कहा जाता है, मैं कोशिश करूंगा बोलने के लिए, पारू कलासी नहरौल की अनोबा मणिपुर। मणिपुर को एक युवाओं के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मित्रों, ये जो मैं अच्छी बातें गिना रहा हूं, ये मणिपुर में संभव क्यों हो पाया? इसलिए संभव हो पाया कि एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने पिछले 5 साल में बिना किसी रुकावट के विकास को गति दी और तीव्रता लाई, इसको भी हमको ध्यान रखना है। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था? देखो, अभी आपको धूप लग रही है कि नहीं लग रही है? सूरज की रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये सूरज का मजा तब है जब तुम अंधेरे को याद रखो। अगर अंधेरे को भूल जाओगे तो सूरज का मजा समाप्त हो जाएगा। अगर तुमको आज बीजेपी की सरकार के विकास का मजा लेना है तो कांग्रेस के अंधेरे दिन को हमेशा याद रखना, तभी तुमको सूरज का मजा आएगा। क्या था कांग्रेस ने क्या दिया? इनस्टेबिलिटी, मालूम नहीं आज है कि कल नहीं मालूम। इंसर्जेंस, लॉलेसनेस, एक तरीके का भय का वातावरण व्याप्त था, और इनइक्वालिटी, ये तीन आई कांग्रेस ने दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तीन आई दिए हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज सड़क ही सड़क बन रही है, जहां देखो 4 लेन 3 लेन 2 लेन बन रही है कि नहीं बन रही है? सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? स्टेडियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और इनोवेशन हो रहा है, नए नए चीजों का इजाद हो रहा है। इनोवेशन के साथ साथ हमारे यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है सबको साथ। पहले क्या था? हिल वाला प्लेन में नहीं, प्लेन वाला हिल में नहीं। मणिपुर की इंटीग्रिटी को बचाते हुए, उसके कल्चर को बचाते हुए, इनर लाइन परमिट लगाते हुए मणिपुर को सबको साथ लेकर के चलने का काम एन बीरेन सिंह जी की सरकार कर रही है। आपको याद है ना ब्लॉकेड याद है ना? भूल तो नहीं गए? भूले, लेकिन याद रखना, ब्लॉकेड वालों को याद रखना। अभी चुनाव में आएंगे नए नए चेहरे लेकर के, हम तुम्हारा भला करेंगे, एक तरफ ब्लॉकेट लगाएंगे, एक तरफ कमीशन से खाएंगे। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार वो लानी है जो मेहनत करती है, ईमानदारी से आपकी सेवा करती है, मणिपुर को आगे ले जाती है, इस बात को भी हमको समझना। आज मुझे खुशी हो रही है कि यहां 16 नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, 4,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 298 किलोमीटर का फाउंडेशन स्टोन 21 जुलाई 2021 को रखा गया है ये नेशनल हाईवे बनने के लिए, 125 किलोमीटर की रेलवे लाइन सैंक्शन हो गई है, ये जीरी बाम से लेकर के तुपुन से लेकर के इंफाल तक ये रेलवे लाइन बन रही है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्शन में है, उसी तरीके से मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका इनॉग्रेशन हो गया है,
प्रधानमंत्री जी द्वारा 300 प्रोजेक्ट्स, ये प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया, 300 प्रोजेक्ट्स और 300 प्रोजेक्ट्स से 30 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लिया ले किया गया है, फाउंडेशन स्टोन लगाया गया है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। वैसे ही लॉकटक जो इनलैंड है उसके डेवलपमेंट के लिए इसका भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो क्रूशियल पार्ट है वो अब आपके यहां से इकोनॉमिक कॉरिडोर निकलेगा, यानी ये लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर का हाईवेज बनेंगे और उससे मणिपुर का विकास होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विकास का जो माध्यम होगा वो मणिपुर होगा, इसको भी हमको समझना है और याद रखना है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, मैंने पहले बताया कि आपको ब्लॉकेड याद होता होगा, ब्लॉकेड नॉट फॉर डेज, नॉट फॉर वीक्स, नॉट फॉर मंथ्स, बट ब्लॉकेड फॉर इयर्स, सालों ब्लॉकेड लगते थे, आज आप उससे सबसे वंचित हो गए हैं और लगभग 1309 नौजवानों ने अपने जो आर्म्स थे वो ले कर दिए, सरेंडर कर दिए हैं। यह नया मणिपुर है, नौजवान युवा अब मुख्य धारा में चल पड़ा है, इसको भी हमें बहुत सराहना करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी अपने यहां हमेशा 15 दिन पर पीपल्स डे मनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और हमारे मंत्रीगण भी, हमारे एमएलए लोग भी जनता दरबार लगा करके लोगों से मिल करके बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई है और हम ये कह सकते हैं कि 11,600 एकड़ में जो इलीगल पॉपी ग्रोइंग चल रही थी, पॉपी का लगाया जा रहा था, उसकी खेती हो रही थी, उसको नष्ट करने का काम एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने किया है। युवाओं के लिए ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, यह हमको ध्यान रखना चाहिए कि कल्टीवेशन बंद की गई है। 1000 किलोग्राम से ज्यादा अफीम ओपियम उसको सीज किया गया है। उसी तरीके से विकास में मनरेगा के लिए 343 करोड़ रुपीस पहले 2016-17 में खर्च हुआ था, अब लगभग 750 करोड़ खर्च हुआ है। उसी तरीके से आंगनबाड़ी सेंटर्स को, 15 सेंटर्स को अपग्रेड किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5,82,000 किसानों को 2,000 रुपए की किश्त उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम मणिपुर में हुआ है, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से मणिपुर इज नोन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैं चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम आगे बढ़ाएं और उसके लिए इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है। 67 करोड़ रुपीस का इसमें प्रोडक्ट पर खर्च हुआ है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम में 1,00,000 बेनिफिशियरीज ने लाभ उठाया है। आयुष्मान भारत में लगभग 3.5 लाख बेनिफिशियरीज हैं और 42,000 लोगों ने लगभग 51 करोड़ का बेनिफिट उठा लिया है। इस तरीके से विकास के लिए आगे काम चल रहा है, ये हम सबको समझना भी होगा, ध्यान में भी रखना होगा। मित्रों, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोटेक्शन, ये तीनों बातों की चिंता करती है। और ये जो INC का मिस गवर्नेंस था, जो ब्लॉकेड और बंद से जुड़ा हुआ था, उसके लिए ये जवाब है। ये हमको हमेशा हमेशा आगे बढ़ाना है, इसकी भी हमको चिंता करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग डिवाइड एंड रूल में विश्वास करते रहे, वह लोग इनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते रहे, हम यूनिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए काम में जुटे हैं और स्टेबिलिटी हमारी एम वीरेंद्र सिंह की सरकार ने पूरे 5 साल दिखाया है और विकास की एक नई कहानी रखी है, इसको भी हम सबको सराहना चाहिए, इसको भी हमको समझना चाहिए। बजट में हर बजट अब दुगना हो गया है। 5 साल पहले हमारा बजट 10,500 करोड़ का था, आज 21,224 करोड़ का बजट हो गया है। इरिगेशन में आप 154 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, आज आप 303 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। शिक्षा में आप 1,324 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, आज आप 2,555 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी
सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा बजट डबल हो गया है, इसको भी हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इसको भी हमको जनता तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर हम बात करें तो उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ट्राइब्स के बीच में खड़ा करने की कोशिश थी और हम लोगों ने सबको एक साथ लाने का प्रयास किया है और सबके विकास की बात की है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इसको आगे बढ़ाया है। मित्रों, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, टूरिज्म का सवाल है, ईमा मार्केट्स का सवाल है, ट्रांजिट एकोमोडेशन का सवाल है, इन सब में फोकस देकर के काम हुआ है। आज महिलाओं के लिए ईमा मार्केट्स, मुझे पूरी संख्या याद नहीं है लेकिन शायद 17 ईमा मार्केट्स को हम डेवलप कर रहे हैं। उसी तरीके से ट्रांजिट एकोमोडेशन को डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे सरकारी मुलाजिम हिल एरियाज में जाकर के काम करें। हम योजना लेकर के चल रहे हैं, गो टू होम, घर तक जाओ, गो टू हिल्स, पहाड़ों तक जाओ। पहले आप जाते थे अधिकारियों के पास, अफसरों के पास, आज एनबीरेन सिंह की सरकार में अधिकारी आपके घर आ रहा है, आपके गांव में आ रहा है। ये फर्क हमको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हमको चुनना है, हमको चुनना है इंसर्जेंसी चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए, हमको चुनना है कि डिविजिव पॉलिटिक्स चाहिए, डिवाइड एंड रूल चाहिए या प्रोस्पेरिटी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत चाहिए। हमको चुनना है इनकाउंटर्स चाहिए या हमको शांति चाहिए, पीस चाहिए। हमको चुनना है कि ड्रग्स चाहिए या स्पोर्ट्स चाहिए, और मुझे विश्वास है कि यहां बैठा नौजवान ड्रग्स की जगह पर स्पोर्ट्स चाहेगा, इनकाउंटर्स की जगह पर पीस चाहेगा, डिविजिव पॉलिटिक्स की जगह पर प्रोस्पेरिटी चाहेगा और इंसर्जेंसी की जगह पर स्टेबिलिटी चाहेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा नौजवान आगे बढ़ेगा। नेशन बिल्डिंग करना है तो भ्रष्टाचार मुक्त होना है और यह भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल दे सकता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आप साथ दें, आप उसको आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएंगे तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, कमल खिलेगा तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, एनबीरेन सिंह आएंगे तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, हमारे लोग बीजेपी के आएंगे तो मणिपुर आगे बढ़ेगा, और इसके लिए आप सब लोग काम में जुटे, ये हम कहना चाहते हैं। हन्ना हन्ना बीजेपी, हन्ना हन्ना बीजेपी, हन्ना हन्ना नारोल की या फबा।